फुर्सत मिल गई आने की वापस? आप तो खुद इतने दिन से यहाँ पड़ी हुई हैं और मुझे जिताएंगी, क्या बात है आपकी? जिस जिंदगी को चाहा था उस जिंदगी ने मारा है। अब्बा बस जो है ना आपके सामने रखा वो ही खा लें भाई। अब मेरी हिम्मत नहीं अकेले जाके किचन में खड़े होके इतने लोगों के लिए पराठे बनाऊं, सर में दर्द हो रहा है मेरे। और आपकी बहू बेगम वो तो जाके मैके बैठ गई, आने का नाम ही नहीं ले रही। क्या रात को नहीं आई वो? नहीं, कहाँ वापस आई है, शॉपिंग का बहाना करके गई और लौटी ही नहीं। कारनामे सुन रहे अपनी लड़की के, तुम्हारी ढील की वजह से हो रहा है सब कुछ। अब्बा उससे मैंने ही कहा था। क्या कहा था? यही कि अगर वो शॉपिंग से लेट हो जाए तो अपने घर भी रुक जाए, यहाँ पे आएगी हम लोग सब सो रहे होंगे, डिस्टर्ब होंगे। मुझे देर हो रही है, मैं निकलता हूँ, खुदा हाफिज। हाँ अपनी नींद खराब नहीं करोगे हैं? अपनी बहन का कोई एहसास नहीं है? नाश्ता भी मैं बनाऊँ, दोपहर का खाना भी अकेली बनाऊँ है? जवाब दो मुझे, मुलाजमा हूँ मैं क्या सबकी? ऑफिस जा रहा हूँ, हो गया मेरा नाश्ता। हो गया नाश्ता? बेवकूफ है अब्बा, बहुत बड़ा बेवकूफ है। मैं आपको बता रही हूँ, इस लड़के पे नजर जमा के रखे वरना इसके ससुराल वाले गुलाम बना के रख लेंगे इसे। अरे फिक्र न करो, सब देख रहा हूँ, ससुराल बनूंगा ऐसा बंदोबस्त करूंगा कदम नहीं रखेंगे आप। लो इनकी कमी रह गई थी। अब नाश्ता वास्ता मत पूछना, ये बच्चा होगा भाई होगा वही रख देना इनके आगे। अस्सलाम वालेकुम। फुर्सत मिल गई आने की वापस? आप तो खुद इतने दिन से यहाँ पड़ी हुई हैं और मुझे जिताएंगी, क्या बात है आपकी? मेरी बेटी भी तंज करने की जरूरत नहीं है, समझे तुम? अपने बाप के घर में बैठी है, तुम जब गई थी ना तुमने शुक्र अदा किया था अल्लाह का। जाओ सारी जिंदगी मैके बैठो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। मैके जाए मेरे दुश्मन, आओ शान से चलो। देखा कैसा जिज करके गई है, तुम देख लो अच्छा नहीं होगा, इसके साथ रोएगी सारी उम्र रोएगी। इसकी बातों को दिल में मत लेना बेटा, इसके साथ तो वो होगा कि दुनिया देखेगी सारी। इंशाल्लाह अब्बा इंशाल्लाह। वो रख देना सब चीजें, ये भाइयों की बच्चे में अंडे है ना, ये डाल देना उनके आगे। जिस जिंदगी को चाहा था।